वेलकम करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया पिछली वीडियोस के ऊपर और वीडियो को लंबी नहीं करते, फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट टॉपिक्स फॉर यूट्यूब इन स्टार्ट, कि यूट्यूब स्टार्ट करते ही हमें जो पहले जो टॉपिक्स हैं उनमें से किस टॉपिक को उठाना चाहिए जो कि पॉपुलर हो, हमें इनकम जनरेट करवाए। थैंक यू, चलें वीडियो की। तो गाइज बेस्ट टॉपिक्स फॉर यूट्यूब इन स्टार्ट, जबकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन से अच्छे टॉपिक्स हैं, जो बेहतर टॉपिक्स हैं या फिर बहुत ही जो हाई पेड टॉपिक्स हैं जिनको उठा के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो कामयाबी हुए हैं। तो उनसे बात करने से पहले हमें जो है वो नेगेटिविटी को दूर करना है, कि नेगेटिविटी हम पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेंगे ताकि पॉजिटिविटी को वो खा ना जाए। तो प्रोहिबिटेड टॉपिक्स जो हैं वो आपने सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है म्यूज़िक और दूसरा मूवीज़। अब मूवीज़ और म्यूज़िक कहाँ से नहीं लेना, आपने बॉलीवुड से नहीं लेना, हॉलीवुड से नहीं लेना, लॉलीवुड से नहीं लेना। वो इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये कॉपीराइट मटेरियल है, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मेरा पिछला टॉपिक नहीं देखा वो प्लीज़ जाके उस वीडियो को दोबारा से देख लें ताकि उनका दोबारा से रिवाइज हो जाए। क्योंकि जब आप म्यूज़िक और मूवीज़ को देखते हैं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी बॉलीवुड लॉलीवुड और हॉलीवुड के जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे के सारे इनको अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, और जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पहले आ गई और आपने वही अपलोड की तो वो कॉपीराइटेड डाटा होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर बंदे के पास यूट्यूब के स्टैंडर्ड जो हैं वो लाइसेंस होता है, तो इसलिए प्लीज़ उससे ज़रा बचें। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़कर जो हैं वो आगे सीख सकते हैं। तो गाइज़ हमने जो है वो प्रोहिबिटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया कि हमें म्यूज़िक और वीडियोस को नहीं डालना जो कि बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड से ली गई हो। अब हमने वो देखना है कि जिन को पॉइंट्स को हमने पिक करना है। तो सबसे पहले देखें हमने करना है जी ऑनलाइन गेम्स को। सबसे पहले हम किसको करेंगे, ऑनलाइन गेम्स को। उसमें पबजी और इस तरह की गेम्स जो आजकल हैं इन हैं मार्केट में, उस तरह की आपको काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो उनके ऊपर बहुत अच्छा जो है वो रिव्यू आता है, बड़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट होता है। देन उसके बाद है जी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है यानी कि आपने किसी भी खेल जो हो रहा है उसके रिलेटेड कोई टिप्स डाल सकते हैं, कोई भी उसकी रिलेटेड कोई ब्रेकिंग न्यूज़ डाल सकते हैं। देन उसके बाद है हेल्थ एंड फिटनेस। आप जो है वो एक्सरसाइज के अंदर जो है योगा जिम से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं जो भी आपको, और उसके अलावा आप टिप्स दे सकते हैं लोगों को क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और इस तरह की टिप्स देकर भी आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं और एक चैनल बना सकते हैं। और देन उसके बाद है जी फूड, खाने से रिलेटेड। यानी कि आप इस तरह करें कि एक जो घर में औरतें हैं उनको बोलें कि खवातीन जो हैं घर में उनको बोलें कि आप खाना तो घर का रोज़ ही बनाते हैं तो चलें आज कुछ स्पेशल खाते हैं, बाद में वो आप लोगों ने ही खाना है। तो कुछ कोई भी चीज़ ऐसी ले लें कि जो थोड़ी सी आप लेके उसको स्पेशली जो है कुक करें, उसकी वीडियो बना लें जो कि सिर्फ और खाने की होगी और हाथों की होगी कि क्या क्या चीज़ उसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ हुए हैं और क्या क्या चल रहा है। तो ये ख़ासतौर पर खवातीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो खवातीन घर पर बैठ के यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं। देन उसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं जो कि मोबाइल के रिव्यूज़ वगैरह वगैरह वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि टेक्नोलॉजी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप थोड़ी सी आपको बताऊंगा। देन उसके बाद वीडियो एडिटिंग, आप वीडियो एडिटिंग की वीडियोज़ बना के डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप उसकी वीडियोज़ बना के इसके ऊपर डाल सकते हैं, और ये काम थोड़ा सा पाकिस्तान में ख़तरनाक है लेकिन क्या है कि ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है जो है प्रैंक्स का काम, तो बहुत सारे लोग प्रैंक्स भी कर रहे हैं और प्रैंक्स का काम ठीक तो है लेकिन बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं, इसलिए प्लीज़ प्रैंक्स करते हुए अपनी जान का और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अच्छा देन उसके बाद हम मिसाल के तौर पर हम देते हैं जी मोबाइल के रिव्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत जैसे कोई नया मोबाइल मार्केट में होता है आप फ़ौरन उसका रिव्यू करें क्योंकि किसी ने ख़रीदना है तो जाहिर सी बात वो पहले उसका रिव्यू देखेगा। देन उसके बाद है जी रिकैपिंग। आप किसी भी वीडियो को दोबारा से उठाकर उसके ही रिकैप दिखा सकते हैं, जो एक बंदे ने मिस कर दिया वो पॉइंट्स आप में इसी मोबाइल रिव्यू के अंदर डाल सकते हैं। देन उसके बाद है टिप्स। तो गाइज टिप्स आप उसको मतलब दे सकते हैं किसी भी ऐप्स के बारे में, टिप्स दे सकते हैं, टिप्स एंड टिक्स हैं। आप बहुत सारी ऐप्स को देखें उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बाज़ दफ़ा लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मोबाइल के अंदर जो फेसबुक चला रहे हैं उसको मोबाइल के अंदर ही आप लोग डेस्कटॉप व्यू में भी देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स जैसे कि यूट्यूब को मोबाइल के ऊपर देखते हुए आप डेस्कटॉप व्यू में भी देख सकते हैं, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इंस्टेंस। देन उसके बाद आप फ्री इंटरनेट कैसे यूज़ किया जा सके, क्योंकि हर बंदे को आज के दौर में इंटरनेट की ज़रूरत है, और फ्री वाईफाई कैसे यूज़ की जा सके
सके, इस बारे में आप टिप्स दे सकते हैं उसको। हैकिंग वगैरह मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, जस्ट ये एक एजुकेशनल वीडियो है। देन उसके बाद एमएस ऑफिस के रिलेटेड, जिस बंदे को एमएस ऑफिस का काम आता है, कुछ भी नहीं आता, किसी को कुछ भी नहीं आता, तो एमएस ऑफिस के बारे में बता सकता है लोगों को। देन उसके बाद एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये स्पेशल बंदे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चैनल्स को और पेजेस को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कोर्सेज करते हैं ताकि आप लोगों तक एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। उसके बाद फोटोशॉप का अगर आपको काम आता है तो आप फोटोशॉप की वीडियोज बनाकर किस तरीके से एडिट करते हैं उनको डाल सकते हैं। आप फनी वीडियोज बना सकते हैं बच्चों के लिए, आप फनी वीडियोस बना सकते हैं कैट्स की, अगर आपके घर में कैट्स हैं तो आप उनकी फनी वीडियोस बना सकते हैं। देन उसके बाद आप फनी जो है वो कैट्स एंड डॉग्स वगैरह जो हैं आप उनको उसके ऊपर डाल सकते हैं वीडियोस बनाकर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और एक गिव अवे होने जा रहा है जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन लोगों को प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो काइंडली इस वीडियो को खुद भी लाइक कीजिए और आगे 500 लोगों तक कम से कम पहुँचाना आपका काम है। थैंक यू सो मच।